दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो मैं अभी सो के उठी और मैं बर्ड्स के लिए पानी फिर से भरने आई, जैसे कि मैं आपको कहती हूँ। तो देखिए मैंने क्या देखा मेरी बालकनी में। देखिए, ये एक पिजन मरा हुआ मिला मुझे यहाँ पर। मैं ये रिफिल करने आई थी वाटर। देखिए तो काइंडली प्लीज़ इन लोग के लिए पानी रखें। दाना तो एक खुद ढूंढ लेते हैं, इनको पानी की ज़रूरत है। अब मैं गार्ड को बुलाऊंगी और ये साफ कराऊंगी। मैंने इस पे पानी भी डाला कि क्या पता थोड़ी जान हो तो मैं इसको ठीक करूं, बट नहीं, इसमें कुछ नहीं बचा। और शाम को यहाँ कुछ भी नहीं था। शाम को ये थोड़ा सा बीमार होता तो मैं इसको अंदर ले आती। शशांक भैया, वो पिजन कबूतर यही मेरी बालकनी में। तो गाइस, आपने देखा कैसे पिजन गर्मी से एक मरा पड़ा है। गर्मी ही रीज़न हो सकती है। और मैंने कल ही कहा था इन लोग के लिए पानी रखें, प्लीज़ रखें, इनका ध्यान रखें। मैं दाना भी रखती हूँ, मेरी मदर इन लोग दाना रखती हैं डेली इनके लिए। मगर दाना रखना इनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इस टाइम पानी रखना इम्पोर्टेंट है। दाना तो ये लोग फिर भी ढूंढ लेते हैं, खेतों से कीड़े और प्लांट से कीड़े ये सब ये लोग खा लेते हैं। बट दे नीड वाटर टू ड्रिंक, सो प्लीज इनके लिए पानी रखें। तो गाइस, ये आया है पंकज। आजा चल, पंकज उठाएगा कबूतर। पेपर ले ले पंकज। वो ब्लैक वाली पॉलिथीन। पॉलिथीन क्यों? ब्लैक वाली डालूंगा। अरे उसमें डालिए भाई, ब्लैक वाली तुम्हें दे दो ना। पन्नी में नहीं डाल, वो उधर डालेंगे ना। किधर? उधर गड्ढे में, मिट्टी में। जिंदा नहीं है, मरा हुआ ही है। पेपर में रख ले पंकज, मरा है, मरा है। पिंडी तो दो। पेपर में रख पंकज, पेपर में रख। हाँ तू रखेगा चिड़ियाओं के लिए पानी रखेगा अपनी छत पे? यहाँ रख देंगे, यहाँ तो हम रखते हैं। अरे अब हर यहाँ ये मैं नहीं थोड़ी ना सारे पक्षी पाल रखे हैं। हमारी छत पे, अपने घर की छत पे। मैम हमारा घर ऐसा ही है, वो धूप आती है वहाँ ज्यादा। तो ये क्या छाया में रहते हैं बर्ड्स? इधर तो ठीक है। ए पागल, दिखो ये दांत रजनीगंधा तुलसी। मत खाए कर तू ये। किसको? शशांक। शशांक भैया पीछे है, कुछ नहीं कहेगा शशांक, चल तू। कुछ है खोदने को? तेरे हाथ कम है क्या खोदने के लिए? चल कर। तो गाइस, अब मैं कबूतर को गड़वा रही हूँ। ये है पंकज, बहुत अच्छा लड़का है, सारा काम करता है। क्योंकि ये काम नहीं करता इसलिए हंस रहा है। बस पंकज बस। इससे क्या होगा? इसमें गाड़ दे बस, कबूतर ऐसे थोड़ी ना फेंक सकते अपने आगे तरीके से। हाँ अच्छे से लिटा दे। ये मिट्टी कैसी अजीब सी? ये उसकी है गमले की। अच्छा हो गया, चल। थैंक यू सो मच पंकज। इस कबूतर की यादों में ये पौधा यहाँ लगा देते हैं, इसे पानी डाल देना ठीक है? तो थैंक यू सो मच पंकज, आज से तू एक रजनीगंधा तुलसी इस कबूतर की याद में कम खाएगा। बोल। अरे मैं खाता ही नहीं। तेरे दांत कैसे इतने पीले फिर? तुम्हें लाइक है? नहीं लाइक नहीं है। तो दोस्तों मैंने कबूतर को गड़वा दिया पंकज की हेल्प से। थैंक यू सो मच पंकज, बहुत अच्छा लड़का है। आप देखेंगे ना ये चल रहा है, बहुत अच्छी सफाई करता है। आजा, सफाई इसकी बहुत अच्छी है, दिखाओ तेरी सफाई। चलिए आज शाम को मैं एक बहुत अच्छा व्लॉग बनाऊंगी, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। तो ये हमारा गार्ड भैया शशांक भैया, हाय करो, अपना हटाओ मास्क।
ये हमारे गार्ड भैया मेरे सारे ब्लॉग्स देखते हैं। बाय। तुम्हारे 50 रुपये मुझे देने हैं, मुझे याद है। और वो भेज देना अखबार वाला कबाड़ी भेज देना, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने कबूतर को मिट्टी में दबवा दिया है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और नया जन्म दे या ना दे, हमेशा भगवान के पास ही रहे। तो आज शाम का व्लॉग मेरा देखिएगा ज़रूर। मैं जा रही हूँ बाहर, मेरी एक और न्यू फैमिली मेम्बर से मैं आपको मिलवाऊँगी। तो मिलते हैं आपसे शाम को। बाय बाय, टेक केयर।